हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सरकारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। तो वरुण आप सभी के लिए हरियाणा की दिन भर की 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा की ताज़ा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के वीडियो में। अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है और वहीं इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले जान लेते हैं हरियाणा का कोरोना अपडेट। आपको बता दें हरियाणा में रिकॉर्ड 1298 24 घंटे में कोरोना के संक्रमित मिले हैं। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा हरियाणा में 60596 पर पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि 1020 कोरोना को मात देकर घर भी लौटे हैं। वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 49710 पर पहुंच गया है। वहीं रिकॉर्ड हरियाणा में 15 लोगों की इस कोरोना से 24 घंटे में मौत हुई है। वहीं मौतों का आंकड़ा भी हरियाणा में 661 पर पहुंच गया है और एक्टिव केसेस की बात करें हरियाणा में 10,225 है। जी हाँ, इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन खत्म। अब सोमवार मंगलवार को बंद रहेंगी दुकानें। आपको बता दें हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर अब बदलाव किया गया है। वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। खट्टर सरकार ने इसके बदले फैसला लिया है कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। ये आदेश अभी शहरी क्षेत्रों के लिए इस तरह, अब शनिवार रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें आज हरियाणा में अनलॉक 3 का आज 29वां दिन है। कोरोना पॉजिटिव मिली विनेश फोगाट और उनके कोच खेल सम्मान के वर्चुअल अवार्ड समारोह में नहीं लिया है हिस्सा। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खेल रत्न के लिए चयनित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट और द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए चयनित कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके चलते खेल दिवस पर आयोजित होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम का दोनों ही हिस्सा नहीं बन पाए हैं। दोनों ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। दोनों को राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मानित किया जाना था। इस संबंध में सोनीपत के लघु सचिवालय में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में दोनों लोग ही नहीं आए हैं। जी हाँ, इसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़ा फर्जीवाड़ा। हरियाणा में 6 जिलों की 10 पर्वों में 46 करोड़ ITC पाने को भेजे 385 करोड़ के फर्जी बिल। जी हाँ, आपको बता दें बड़ी खबर है। GST विभाग में फर्म का रजिस्ट्रेशन करा संचालक दूसरी फर्मों को बिजली बिल जारी कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में इस तरह के फर्जी बिल जारी करने वाली फर्मों की मॉनिटरिंग तेज हो गई है। सेंट्रल GST आयुक्तालय के अधिकारियों ने वर्ष 2018-19 के वित्तीय वर्ष में जींद, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी और वहीं सिरसा रोहतक जिले में 10 ऐसे फर्म संचालकों को पकड़ा है। इन फर्मों ने दूसरे कारोबारियों को 385 करोड़ 26 लाख 99 हजार रुपए के फर्जी बिल जारी कर दिए थे। जी हाँ, इस वक्त की अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें आदेश का विरोध। सरकार का आदेश, शहरी क्षेत्र में शनिवार रविवार नहीं सोमवार मंगलवार बंद रहेंगे बाजार। आपको बता दें बड़ी खबर है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को कुछ हद तक रोकने के लिए सप्ताह में 2 दिन बाजार बंद करने के लिए आदेशों में कुछ बदलाव किया गया है। अब शनिवार रविवार से के बजाय सोमवार और मंगलवार को शहरी क्षेत्र के बाजार और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। बाजारों में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। जी हां, सावधान हो जाइए। आपको बता दें हरियाणा पुलिस ने व्हाट्सएप यूजर के लिए जारी की एडवाइजरी। फोन पर आए वेरिफिकेशन कोड वाले मैसेज का जवाब ना दें। आपको बता दें बड़ी खबर है। हरियाणा पुलिस ने व्हाट्सएप यूजर को एडवाइजरी जारी की है। उन्हें व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साइबर क्राइम के नए चलन के बारे में सचेत किया है। आपको बता दें वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए यूजर्स अपने फोन पर आए किसी भी वेरिफिकेशन कोड को मैसेज का जवाब ना दें। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि COVID-19 की स्थिति के बाद काफी संख्या में ऑनलाइन गतिविधियों का चलन बढ़ने से साइबर अपराधी लोगों और संगठनों को ठगने के लिए नए तरीकों का सहारा ले रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें अगली बड़ी खबर की बात करें। आपको बता दें 5840 करोड़ रुपए का भुगतान। GST परिषद की मीटिंग में डिप्टी CM ने उठाया मुद्दा। हरियाणा के 5840 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द करें केंद्र। आपको बता दें बड़ी खबर है। डिप्टी CM ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41वें GST परिषद में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है प्रदेश की क्षतिपूर्ति का 5840 करोड़ रुपए, आपको बता दें, पिछले 4 महीने से लंबित है। इसका भुगतान जल्द ही किया जाना चाहिए। आपको बता दें डिप्टी CM ने कहा है केंद्र सरकार ने हरियाणा को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए क्योंकि COVID-19 के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव पड़ रहा है। आपको बता दें उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2022 में समाप्त होने वाली GST की 5 सालों की अवधि
से आगे भी राज्यों को राजस्व की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। जी हाँ, अगली बड़ी खबर की बात करें, आपको बता दें इस वक्त की अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कोरोना की चपेट में हरियाणा सरकार, बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी कोरोना संक्रमित मिले हैं, सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और 6 विधायक पहले आ चुके हैं पॉजिटिव। आपको बता दें बड़ी खबर है, एक बार फिर से आपको बता दें हरियाणा सरकार ने मंत्री, आपको बता दें विधायक एक एक करके कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। वहीं आज हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है, मैं अपना कोरोना टेस्ट फिर से करवाया है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है परंतु चिकित्सकों की सलाह पर होम क्वारंटाइन हो रहा हूँ। मेरा अनुरोध है कि जो लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेशन पर अपनी जांच करवा दें। जी हाँ, आपको बता दें अगली बड़ी खबर है, सितंबर में जारी होंगे BSEH हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट 2020 के सर्टिफिकेट। आपको बता दें BSEH हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट 2020 को लेकर बड़ी खबर है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी BSEH अपनी कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2020 के प्रमाण पत्र सितंबर में जारी करेगा। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी ताजा नोटिस के अनुसार 1 और 2 सितंबर 2020 को बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणामों के सर्टिफिकेट और माइग्रेशन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। तो जी हाँ भाइयों, आप सभी के लिए हरियाणा खबरें कैसी लगी? अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर पहली बार चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।